Awesome. So, आज की वीडियो में हेलो माय पीसफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल. होप यू आर डूइंग ग्रेट, होप यू आर डूइंग ऑसम इन योर लाइफ. इफ यू आर वॉचिंग मी वेरी फर्स्ट टाइम, हाय, माय नेम इज किरण. आई मेक वीडियो ऑन होम डेकोर और फैशन, DIY, हॉल, ट्रेवल, बेसिकली लाइफस्टाइल. सो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की कुछ चुनिंदा कुर्तियाँ. जी हाँ, मैंने ना बेसिकली अभी मंगवाई है, आई एम ट्रेवलिंग, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी कुर्तियाँ चाहिए थी और इतनी गर्मी हो चुकी है, इस गर्मी में यू वॉन्ट समथिंग वेरी वेरी ब्रीदेबल. कुर्तियाँ जो चाहिए आपको वो कॉटन की चाहिए डेफिनेटली, और अगर छोटू मोटू से कोई फंक्शन हो उसके लिए भी मैंने एक शरारा सेट आइकन से मंगवाया था. इससे पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, मुझे इतने कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगी थी, तो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर it with you. So yeah, without wasting your time, let's jump into the video. First kurti is this one. This is the black chikankari kurti and this is very 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 beautiful. This is in the large size and isme aapko 3/4 sleeves mil jayegi and yahan par pura na ek chikankari wala na kaam kar rakha hai. Kafi beautiful kaam hai, aisa nahi hai ki aapko lagega. And this retails for, main niche likha hua hai sab, this retails for 311. Yes, 311 रुपीज़ ओनली. मुझे ये देखते ही इतनी पसंद आ गई थी, आई वॉज लाइक आई वॉन्ट दिस. बट इसका कॉटन का कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है. एंड यहाँ पर आपको ऐसे ये नेक मिल जाएगा, ये चिकनकारी वर्क काफ़ी ब्यूटिफुल है. एंड यहाँ पर आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छा, ये आपके घुटनों के नीचे तक जाएगा. फैब्रिक इज़ वेरी गुड और आपको ये डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा. डिफरेंट कलर्स की तो मैं कह रही हूँ ना, जैसे काफ़ी खूबसूरत कलर्स, कलर्स की भरमार मिल जाएगी आपको मीशो में. और ये इतना खूबसूरत लगा जैसे ही मैंने इसे पहना ना, आई वॉज लाइक इट्स सो ब्रीदेबल मैन. और उसके साथ ना इसमें गर्मी भी नहीं लगती. एंड दिस इज़ नॉट अ कॉटन, जो ना चुभने वाला कॉटन होता है ना, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मटीरियल है. 311 रुपये में अगर आपको ऐसी कुर्ती मिल रही है, वॉट एल्स यू नीड इन योर लाइफ, और इतनी गर्मी में तो दिस इज़ मस्ट. तो मुझे काफ़ी 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी. और मेरा जो इसमें साइज़ है ये है मेरा 40, जो कि लार्ज है. ऑल दो आई नो ब्लैक से गर्मी ज़्यादा लगती है, बट दिस इज़ समथिंग जो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू ग्रैब इट. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. है ना वो शरारा सेट है, तो आई वॉज लाइक इतनी गर्मी है, अगर मेरे को छोटा सा कोई फंक्शन अटेंड करना है, आई वॉन्टेड इट जस्ट वेरी रीजनेबल, कुछ ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं चाहिए था मुझे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड ऑल. तो मैंने ना ये छोटू सा एक सेट लिया है एंड दिस इज द शरारा एंड कुर्ता सेट. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल आई कैन से. मैं आपको पहले खोल के दिखा देती हूँ एंड आई विल इंसर्ट द पिक्चर, जो आपको आइडिया हो जाए. गोटा पट्टी इज इन सो मच, कि आजकल ना हर जगह गोटा पट्टी का काम चल रहा है और ये कितना बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड दिस मटीरियल इज रेयन. यस, दिस मटीरियल इज रेयन एंड मैंने इसे मीडियम साइज में लिया था एंड दिस रिटेल फॉर 648 रुपीज़. यस, काफ़ी अच्छा है, ऊपर गोटा पट्टी का काम है, देन दिस इज़ राउंड नेक एंड आपके ये नीज के नीचे तक जाएगा. काफ़ी प्यारा फ्लोरल प्रिंट है, काफ़ी समरी वाइब दे रहा है एंड इसके साथ ना इस टाइप का शरारा है. और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू भी देखे थे मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, आई वॉज लाइक आई वॉन्ट इट. एंड ये ना बहुत, यहाँ से आपको इस पर इलास्टिक मिल जाएगी. काफ़ी मुझे ना देखते ही ऐसे लग रहा था आई वॉन्ट टू बाय इट, इसके रिव्यू भी इतने अच्छे थे, तो मुझे लगा यार इतना 650 टाइप में मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसे लूँ. और मुझे लगा मैं तो कहीं भी इसे पहन के जा सकती हूँ. अगर बेसिकली हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आप ताम झाम करके कहीं जाओ तब भी अच्छे लगे. थोड़ा सा जैसे कि मुझे जंक ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो उसे ही पहन के बस खुश हो जाऊँगी. आई कैन वेयर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झुमकीज टाइप और वो इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, ट्रस्ट मी, तो मैं तो उसी में खुश हो जाऊँगी, तो मुझे तो वही बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा. बट एनी वेज, अगर आप किसी छोटे मोटे से फंक्शन में जा रहे हो या मेहंदी हो गई किसी की, या फिर कहीं पर आप जा रहे हो जहां पर छोटा मोटा बच्चे का बर्थडे है, जहां पर आपको सिर्फ सूट पहनना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. दिस इज इन द साइज ऑफ मीडियम. और मुझे, अच्छा पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा दूं. दुपट्टा बहुत बहुत ब्यूटीफुल है और ये जो कलर है ना, ये बहुत सटल पिंक है, इट्स नॉट लाइक झटैक वाला पिंक. बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है और जैसा आपको दिख रहा है ना वैसा ही है ये दुपट्टा. बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे तो ऐसे लग रहा है अभी मैं पहन के बस चली जाऊँ किसी फंक्शन में. ऑल दो कोई फंक्शन है नहीं, कहाँ जाऊँगी, बट थिंग इज दैट लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ना क्लासी सी वाइब दे रहा है. ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया. एंड दिस रेयन मटीरियल इज ऑल्सो ब्रीदेबल. रेयन मटीरियल में आपको गर्मी लगेगी नहीं, रेयन मटीरियल काफ़ी अच्छा लगता है. एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन,
यहाँ पर आपको गोटा का टाइम, गोटा यहाँ पर आपको गोटा वर्क मिल जाएगा. एंड यहाँ पर छोटू छोटू से ऐसे गोटा पट्टी वाला काम कर रखे, बहुत ही ब्यूटीफुल है. ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत ज़्यादा सटल चीज़ें पसंद है, बहुत ज़्यादा चटक पटक नहीं पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ट्रस्ट मी, इट वर्थ योर मनी. पीछे ना आप बोलोगे ये सेम सेम क्यों लिए, बट आई वॉज सो मिसबराइज विद दिस चिकनकारी कुर्तीज. आई वॉज लाइक आई वॉन्ट दिस वन. लुक एट द कलर, कलर इसको देख के कौन नहीं लेगा यार, इतना प्यारा लगेगा. इट्स समरी और इतना प्यारा वाला ब्लू कलर है. एंड हाँ, जो मैंने ये वाली ली है एंड ये वाली, अभी मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ इसके. बट अगेन यू कैन सी द सेम थिंग, द चिकनकारी वर्क इज हेयर, 3/4 स्लीव्स, काफ़ी प्यारा कलर है. एंड दिस इज इन द साइज 40 फॉर 345 रुपीज़. और इसमें मैंने साइज लिया है लार्ज. ये वाली कुर्ती भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएगी. मैं इसको नहीं रखने वाली हूँ, येस, जस्ट बिकॉज दिस इज 40, दिस साइज इज ऑल्सो 40, दिस इज कॉटन, दिस इज ऑल्सो कॉटन, राइट. सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ. सो अब मैं इसे रखने वाली नहीं हूँ. दिस इज साइज 40, दिस इज ऑल्सो 40, एज यू कैन सी क्लियरली ओवर हेयर, 40 40, येस. हाँ, इसमें भी चिकनकारी वर्क है, इसमें भी चिकनकारी वर्क है. एंड इसमें ये भी कॉटन है, ये भी कॉटन है. अब डिफरेंस क्या है, ये है वो वाला कॉटन विच जो वो वाला नहीं होता कड़कड़ एकदम बिल्कुल जेस्टिफ वाला, यस. और मुझे वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है. ये मुझे 40 साइज़ काफ़ी खुला आ रहा है, काफ़ी ब्रीदेबल है. एंड ये साइज़ मुझे मेरी चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा टाइट आ रहा है. इसके स्लीव्स और यहाँ पर ना मेरे ये जो पूरा ये वाला अपर एरिया है, इसमें काफ़ी टाइट आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ना ऐसे लग रहा है कुछ मैंने बहुत ज़्यादा टाइट पहन रखा है. ऑल्दो आई लव दिस कलर लाइक क्रेजी, बट वॉट टू डू, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइट आ रहा है. एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस स्टफ, दिस कॉटन वाला ना जो बहुत ही ज़्यादा, देख लीजिए, जैसे आई विल डू दिस, ये देखिए, ये दिस वन, दिस इज लाइक दिस. एंड वेन यू विल सी दिस कुर्ता, ये जो ब्लैक वाला कुर्ता है, ये कुछ अलग ही है प्रिंट, ये देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा. आई डोंट नो, दोनों में कॉटन दिखा है, बट इनके ब्रांड्स डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब जो सेलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट. तो मैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इफ़ यू वांट टू बाय, प्लीज़ गो विद दिस वन. और मैं इसे वापस कर दूंगी. ऑल दो कलर मुझे इतना पसंद आया था, तो ब्लू इस वाले सेलर से मंगवाऊंगी, सो दैट इट विल लुक गुड. प्लीज़ गो फॉर दीज चिकनकारी कुर्तीज इन दिस समर, दिस लुक सो 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 क्लासी. बट थिंग इज दैट प्लीज़, जो मैंने आपको बताया है कि आप उस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है फ्रॉम मीशो. ये मैंने थोड़ा पहले ली थी, अब मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं है मैंने किस सेलर से ली थी, क्या है, पर फिर भी मैं ढूंढ के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड लुक एट दिस क्यूट 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 कुर्ती. क्यूट नहीं, मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा माल वाली कुर्ती है ये. आई रियली लाइक द फैब्रिक, आई रियली लाइक दिट्स 3/4 स्लीव्स, काफ़ी अच्छी है. एंड कैन यू कैन सी, यहाँ पर बहुत अच्छा डिटेलिंग है काम का. एंड ऊपर से ये ओपन, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ पर आपको कोई बटन वटन कुछ नहीं मिलेगा. अगेन 3/4 स्लीव्स, एंड ये आपके काफ़ी नीज से काफ़ी नीचे तक आएगी. यू कैन पेयर इट अप विद योर डेनिम, यू कैन पेयर इट अप विद प्लाजो, यू कैन पेयर इट अप विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. सो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पर देख लेना, जिसमें मैंने इसी कुर्ती को 3 डिफरेंट स्टाइल्स में वेयर किया है. तो डेफिनेटली आप उसको जाके देखना. एंड दीज कुर्तीज आर लाइक समथिंग, जो मैंने आपको ब्लैक ब्लू और ये वाली दिखाई है, आप अगर कॉलेज जाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आप कहीं पर भी इन्हें पहन सकते हैं. दे लुक सुपर डुपर क्लासी. ऐसा नहीं है हमेशा यू हैव टू वेयर वेस्टर्न, ओनली देन यू विल लुक लाइक हॉट और यू विल लुक क्लासी. ऐसा नहीं होता. दी सिंपल कुर्तीज, वेयर झुमकास विद देम एंड वेयर दिस नॉर्मल जूतीज, डेनिम के साथ स्टाइल करो एंड यू विल लुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आप ही चमकोगे वहां पर, ट्रस्ट मी. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जॉर्जेट मटेरियल, एंड दिस इज अ चिकनकारी कुर्ती, वेरी ब्यूटीफुल. और मैं इसका रेट वेट आपको बता दूंगी. आई रियली लाइक इट. मुझे कहीं पर भी ले जाओ, मैं ये वाइट ये कुर्तियां ना पहन के आराम से जा सकती हूँ. मेरा मन करेगा तो मैं इसके नीचे प्लाजो पहन लूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं इसके नीचे डेनिम पहन लूंगी. एंड जस्ट अ सिंपल पेयर ऑफ जुतियां विच यू कैन गेट एनी वेयर, ओनली मीशो में भी आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी मिल जाएगी, एंड यू आर गुड टू गो. ट्रस्ट मी, दीज आर मस्ट हैव इन योर वार्डरोब. और ऐसा नहीं है आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इनके लिए, सो मच फॉर देम. और आप स्टाइलिश लग सकते हो, एंड कॉलेज जाते हो तो प्लीज यू शुड हैव. नेक्स्ट थिंग इज ना, मज़ा ही आ गया. कितना ज़्यादा इंस्टाग्राम में इसे सर्च किया, कहाँ सर्च नहीं किया, मैं क्या बताऊँ आपको. तो मैंने ना इसके दो पेयर लिए थे, एक मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, उसको इतना पसंद आया था. आफ्टर दैट आई ब्रॉट दिस वन फ्रॉम मीशो.
लुक एट दीस, ओ माय गॉड, ये इतने प्यारे हैं। इंस्टाग्राम स्टोर में ना मतलब आपको ऐसे मिलेंगे कि हाँ ले लो ले लो हर जगह से। तो मैंने ये मीशो से मंगवाए, ऑल दो एक मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था, एक मैंने ये वाला मैंने मीशो से मंगवाया। तो ये इतने ब्यूटीफुल है, आप चाहो तो मीशो से ले सकते हो, आप चाहो तो इंस्टाग्राम स्टोर से ले सकते हो। तो ये इतने ब्यूटीफुल है, लुक एट देम, दे लुक वेरी क्लासी। एंड डिस्क्लेमर, अगर आपको थोड़ा हैवी पहनने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये ओवरसाइज्ड है, बट अगर आप कोई चिकनकारी कुर्ती ऐसी पहन रहे हो उसके साथ यू नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेयर वन बिंदी और जूड़ा बना दो, यू कैन जस्ट कीप योर हेयर ओपन और यू आर गुड टू गो विद दीज। ये स्टेटमेंट इयररिंग्स मस्ट है आपके लिए, लुक एट देम, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। एंड इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाना एंड आई विल पुट माई रील्स ओवर देयर विद दीज सुपर क्यूटीज। तो ये एट देम, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यू डोंट नीड टू डू सो मच विद देम। एंड ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आए थे, केम इन दी बॉक्स लाइक दिस, और ये काफ़ी अच्छा है काफ़ी। अगर ना आपको नहीं पहनना, इसमें रखो, ये आपकी ज्वेलरी बिल्कुल सही भी रहेगी। इट्स लुक सो ब्यूटिफुल, आई एम रियली 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 इम्प्रेस्ड विद दिस ज्वेलरी पीस। और भी मैं थोड़े बहुत लेने वाली हूँ बड़े बड़े, क्योंकि आई एम इन लव विद दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी। सो या ये था मेरा एक छोटू सा मीशो हॉल जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाया, बट जो भी दिखाया है बहुत ट्रेंडी दिखाया है, बहुत मस्त दिखाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत सारे अपनी कुर्तीज का वेट करूँ फिर जाके मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि तब तक मे बी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग मी। आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइब एंड या सी यू सुपर डुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड, बाय। You know what guys? मैं दूसरा इयररिंग पहनना ही भूल गई, वाह। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता, मुझे होता है जस्ट फटाफट फटाफट करो, बट इट्स ओके, हो गई अब तो वीडियो।